अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गोला कबाब बनाने का तरीका बताऊंगी। गोला कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, इन सब चीजों को बाद में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हमने प्याज ली है, सब्ज मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर करें। अब ये चीजें हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करूंगी, सब्ज मिर्च ऐड करूंगी, सब्ज धनिया, आधी प्याली बेसन ऐड कर दी है। अब इसके अंदर नमक ऐड करूंगी हसबे जरूरत, लाल मिर्च ऐड करूंगी वो भी हसबे जरूरत, सूखा धनिया पाउडर ऐड करूंगी एक चम्मच भर के, जीरा पाउडर भी एक चम्मच ऐड करूंगी, गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी एक चम्मच भर के। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए। अब हम इसके गोला कबाब बनाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा कीमा लेंगे, एक सीख लेंगे कबाब बनाने वाली। फिर ऐसे अपने हाथों की मदद से इसको गोल गोल करेंगे। इस शेप का हमने बना लेना है ऐसे। अब इस तरह से मैं सारे कबाब बना लूंगी। इस तरह से सारे गोला कबाब तैयार कर लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूंगी और इस तरह से बाकी वाले भी फ्राई कर लूंगी। ऑयल गर्म हो गया, अब हमने जो प्याज काटी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा सोते करेंगे। आप इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे। इसको भी हम एक दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे।
अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। वन टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। वन टीस्पून चिली सॉस ऐड। पांच मिनट के लिए इसे ज़रा दम पे रखूंगी। पांच मिनट हो गए। इसके अंदर कबाब ऐड कर देंगे। कबाब सारे इसमें डाल दिए। इसको भी हम पांच मिनट के लिए दम पे रखेंगे। पांच मिनट हो गए। मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और निकाल के आपको दिखाती हूँ। गोला कबाब हमारे तैयार हो गए। ये बहुत मजे की रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें।